सो आप में से कई लोगों ने अपने सीपीयू या जीपीयू के ऊपर ऐसे पाइप्स देखे होंगे जो कि जनरली हीट पाइप के नाम से जाने जाते हैं। इसका काम आपके कंपोनेंट्स जिससे ये चिपका हुआ है उसको ठंडा करना होता है। बेसिकली इसके अंदर एक लिक्विड होता है विच कैन बी वाटर। सो ये आपके उस चिप के ऊपर होता है जिसको गर्म होना काफी पसंद है, एंड जब कभी वो गर्म होता है क्योंकि दोनों ही मेटल है, इससे अपनी गर्मी को वो चिप हीट पाइप्स के थ्रू ट्रांसफर करता रहता है। अब ये हीट पाइप्स गर्म हो गया सो उसके अंदर का लिक्विड उबलना शुरू करता है। क्योंकि ये पानी है तो वो 100 डिग्री तक एब्जॉर्ब करेगा एंड पानी को उबालेगा। उसके बाद ये पानी भाप बन जाएगा एंड जैसे ही भाप बनेगा वो उड़ते हुए जाएगा ठंडी जगह पर जो कि आपके ही पाइप का दूसरा एंड है जो कि फैन के साथ में सटा हुआ है। सो जैसे ही ये भाप उस एरिया में जाएगा ठंडा होकर के फिर से पानी बन जाएगा एंड वापस अपनी पुरानी जगह में आ जाएगा विच इज अबव योर प्रोसेसर और चिप। ये फिर से गर्म होने के लिए एंड उबलने के लिए रेडी रहेगा। सो इसी तरह से चिप के हीट को हीट पाइप्स के जरिए पानी उबाल करके ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। होप इट्स क्लियर नाउ। अगर यस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है।